अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए एलिवेट इंस्टीट्यूट। जेई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। महाराष्ट्र एचएससी रिजल्ट 2022 यानी महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट बुधवार मतलब 8 जून को जारी किया गया। महाराष्ट्र कक्षा 12वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट maresult.nic.in, mahaSSCBoard.in और hscresult.mkcl.org पर जारी किया गया है। महाराष्ट्र एचएससी परीक्षा के लिए इस साल 14-15 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। आज रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हुआ है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ आज एचएससी रिजल्ट जारी करेंगी। आंकड़ों में बताया गया है कि एचएससी परीक्षा के लिए इस साल 14,85,191 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 8,17,188 लड़के और 6,68,003 लड़कियां हैं। हर साल 10 लाख से अधिक स्टूडेंट्स इस हालत में परीक्षा में शामिल होते हैं। वहीं पास में परसेंटेज की बात करें तो बीते साल 12वीं कक्षा में 99.63% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। ये महाराष्ट्र बोर्ड का सबसे हाई परसेंटेज था। साल 2021 में लड़के और लड़कियों दोनों का ही पास परसेंटेज 99% से अधिक था। लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया था। परीक्षा में 99.73% लड़कियां और 99.54% लड़के पास हुए थे। इससे पहले साल 2020 में पास परसेंटेज 90.66% रहा। सबसे अधिक 96.93% स्टूडेंट्स आईएएस स्ट्रीम में पास हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने सिर्फ 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जमकर तारीफ की और बताया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। 105 घंटे 33 मिनट में बनी 75 किलोमीटर सड़क केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 105 घंटे 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में NH53 पर अमरावती से अकोला के बीच सिंगल लेन में 75 किलोमीटर निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट रोड का निर्माण कर सफलतापूर्वक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस पर नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कहा कि यह पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। NHAI की हमारी असाधारण टीम, कंसल्टेंट्स और कंसेशनेयर राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड और जगदीश कदम को NH53 सेक्शन पर अमरावती और अकोला के बीच सिंगल लेन में 75 किलोमीटर निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट रोड बिछाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने पर बधाई देते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं विशेष रूप से हमारे इंजीनियर्स और श्रमिकों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस असाधारण उपलब्धि को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की है। इससे पहले ये रिकॉर्ड कतर के नाम था। 27 फरवरी 2019 को कतर के लोक निर्माण प्राधिकरण ने सबसे तेज 22 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया। I am very happy today because our team has created one more world record. I congratulate the entire team of NHAI, consultant and contractor Rajpath Infracom Private Limited from Pune on accomplishing this Guinness World Record. NHAI, on the occasion of the Azadi Ki Amrut Mahotsav, announced by Honorable Prime Minister of India Sri Narendra Modi ji, successfully completed a Guinness World Record by constructing 75 km continuous bituminous concrete in single lane on NH53 between Amravati to Akola. The total length of the 75 km single lane continuous bituminous concrete road is equivalent to 37.5 km of two lane paved shoulder road, and the work started on 3rd June 2022 at 7:27 a.m. and completed on 7 June 2022 at 5 p.m. Total time taken is 105 hours and 33 minutes. The bitumen mix of 36,634 metric tons consisting of 2,070 metric tons of bitumen was used. 80 tippers, 5 batch mixer plants, 1 sensor paver with hopper along with 1 standby paver and 8 rollers were used in this activity. 720 workers including team of independent consultants worked day and night to complete this task. Earlier,
the Guinness record for the longest stretch of bituminous concrete laid continuously was for 25.275 km road, and this was achieved by Public Works Authority Ashugal in Doha, Qatar on 27 February 2019. The road was part of the Al Khor Expressway and took 10 days to complete the task. Amravati to Akola section is a part of National Highway 53, which is an important east-west corridor. It connects major cities like Kolkata, Raipur, Nagpur, Akola, Dhule, Surat. It passes through the mineral-rich region of our country. I have been informed that nearly 35% of work is completed on this stretch from Amravati to Akola, and nearly 65% in Akola to Chikli section. Therefore, with this achievement, there will be a great relief to commuters. The movement of traffic will be smooth and travel time will be reduced. On the occasion of Azadi Ki Amrut Mahotsav, I once again congratulate all the engineers from NHAI, contractor Mr. Jagdish Kadam from Rajpath Infracom. भारतीय महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को अचानक सोशल मीडिया के जरिए अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। जाने वाली मिताली राज का वर्ल्ड कप जीतने का सपना अधूरा ही रह गया। अपने संन्यास का ऐलान करते हुए मिताली राज ने एक इमोशनल लेटर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और लिखा कि मैं इंडिया की नीली जर्सी पहनने की यात्रा पर एक लड़की के रूप में निकली, क्योंकि आपके देश का प्रतिनिधित्व करना सर्वोच्च सम्मान है। यात्रा ऊंचाइयों और कुछ चढ़ावों से भरी थी। प्रत्येक घटना ने मुझे कुछ अनोखा सिखाया और पिछले 23 वर्षों में मेरे जीवन के सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण और आनंददायक रहे हैं। आज वो दिन है जब मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रही हूं। जब भी मैंने मैदान पर कदम रखा, मैंने भारत को जिताने में मदद करने के इरादे से अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। तिरंगे का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे जो अवसर मिला है, उसे हमेशा संजो कर रखूंगी। मुझे लगता है कि अब मेरे खेलने के करियर से पर्दा उठाने का सही समय है, क्योंकि टीम बहुत ही प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के हाथों में है और भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है। मिताली राज क्रिकेट करियर की बात की जाए तो उन्होंने 16 साल की उम्र में 1999 में डेब्यू किया था और लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की। उनकी कप्तानी में भारत ने 2000, 2005, 2009, 2013 और 2017 में महिला विश्व कप भी खेला। हालांकि अभी तक टीम एक भी खिताब अपने नाम नहीं कर पाई है। उन्होंने भारत के लिए 12 टेस्ट मैच में 699, 232 वनडे मैच में 7805 और 89 T20 मैच में 2364 रन अपने नाम किए हैं। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए एलिवेट इंस्टीट्यूट। JEE, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।